नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नज़र डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, हमारी वसई विरार महानगर पालिका कई दावे करती है, बड़े बड़े दावे करती है। उन दावों की ज़मीनी हकीकत क्या है, ये हम अगर उसकी सच्चाई का पता लगाएं तो शायद मुझे बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम हर आम आदमी जानता है कि क्या सच्चाई है। यहाँ स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी दावे किए जाते हैं कि यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में महानगर पालिका एक अपनी पीठ थपथपा दी है कि ये ऐसी महानगर पालिका है जहाँ फ्री में इलाज होता है। वो भी हमें मालूम है कि किन किन चीज़ों का इलाज फ्री में होता है और कितने हद तक है, लेकिन इलाज होगा बाद में, पहले बीमारी फैलेगी उसके लिए क्या प्रबंध है, इसकी बात करें तो बीमारी किसी भी इंसान में बीमारी फैलने के जो मुख्य कारण हैं उसमें सबसे पहला एक कारण है प्रदूषित पानी पीना। तो पानी, आप हालात जानते हैं कि किस तरह से कितना प्रदूषित पानी आता है, क्या मापदंड है, किसी को नहीं मालूम। कितने लोग मजबूर है और पानी को लेकर कितने आंदोलन हो रहे हैं। बीते कई सालों से, कई दिनों से लोग यहाँ टैंकर का, गटर का पानी पीने को मजबूर है। अभी यहाँ विषय पानी का नहीं है, अभी यहाँ विषय है दूसरा जो मुख्य कारण है, जो हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, वो है मच्छर। आधे से ज़्यादा बीमारी की जड़ मच्छर है, जिसमें बड़ी बड़ी जानलेवा घातक बीमारियाँ, मलेरिया हो, डेंगू हो, उनका कारण मच्छर है। अब उन मच्छरों के प्रकोप को रोकने के लिए महानगर पालिका कितनी सक्रिय है और किस तरह से काम करती है, इसकी हम चर्चा करेंगे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वसई विरार जिला सचिव शंकर झा जी इनसे। शंकर जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से वसई विरार की सोती हुई जो अधिकारी है उसको मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप वसई विरार के जो जनता है उसके साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, उसको जो मौत की मार आप मार रहे हैं, उसे मत मारिए। क्योंकि पानी के बाद वसई विरार का जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है वो है मच्छर का प्रकोप। मच्छर के प्रकोप से वसई विरार के लोग त्रस्त हैं। खासकर हम अभी नाला सोपारा वेस्ट हनुमान नगर में खड़े हैं, जहां आपको मैं अपना वाइट दे रहा हूं, वहां पे ऐसी स्थिति है कि सुबह सुबह उनको 10 दिन 15 दिन हफ्ता में एक दिन वो लोग आते हैं, महानगर पालिका के लोग, और दवा का छिड़काव करते हैं। पर उस दवा में मुझे लगता है कि वो दवा में दवा नहीं रहता है, सिर्फ पानी रहता है और धुआँ निकलता है। क्योंकि उस दवा को छिड़काव करने के बाद मच्छर की संख्या में कोई कमी नहीं हुई है। आज मैं 27 साल से इस एरिया में रहता हूँ, 27 साल से लेकर आज तक का मैं आपको एक एक वर्णन दे सकता हूँ कि मच्छर जो पहले स्थिति था वही स्थिति अभी भी है। मैं महानगर पालिका के जितने भी अधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको कहना चाहता हूँ कि यही छिड़काव वो शाम को करे, क्योंकि सुबह मच्छर जब गटर के अंदर में चला जाता है, छिप जाता है, तो फिर उसका छिड़काव करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मच्छर तो रहता ही नहीं, दवा छिड़क के चले जाते हैं। उस अमूमन कितने दिन में यहाँ छिड़काव होता है, कितने दिन में यहाँ कोई भी कर्मचारी आता है? सर, लगभग 10 दिन 15 दिन, कभी कभी एक हफ्ते में भी आते हैं, क्योंकि हमारे सोसाइटी में आते हैं तो साइन लेते हैं, तो 10 दिन 15 दिन महीने में 2 या 3 बार आते हैं, और जब आते हैं तो उसकी दवा में कोई उसका कोई असर ही नहीं पड़ता है, कोई असर नहीं है। तो आप एक बहुत बड़ी पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी के नेता है, इस तौर पे आप किस तरह से लोगों में जागरूकता फैलाएंगे और महानगर पालिका में किस तरह से इसको लेकर आप अपनी तरफ से महानगर पालिका के साथ फॉलोअप करने वाले हैं? जी, मैंने सोचा है कि मैं मेरे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनसे मैं इस विषय में चर्चा करूंगा, और चर्चा करने के बाद आपके चैनल के माध्यम से भी, उन लोगों के माध्यम से भी मैं उस महानगर पालिका में इसका बहुत कड़ा विरोध करूंगा, और इसके लिए उनसे शिकायत भी करूंगा कि ये जो ज्वलंत जो गंभीर मसला है उसका समाधान करे, नहीं तो मैं खुद उपोषण पर बैठने की तैयारी में हूँ। तो शंकर झा जी से हमने बात की, इन्होंने इस तरह से पूरे इस क्रोनोलॉजी को बताया कि मच्छर मारने के लिए जो दवा का इस्तेमाल किया जाता है उस दवा में भी कितना असर है नहीं मालूम पड़ता है, क्योंकि मच्छरों की संख्या में कोई कमी नहीं होती है। अभी भी हमारे आसपास इतने मच्छर है कि वो आपको कैमरे पर नहीं दिखाई दे सकते, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं, यहाँ खड़ा रहना तक दुश्वार हो रहा है। तो ये कंडीशन है यहाँ वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र, ये नाला सुपारा ही नहीं, वसई में चले जाए आप, विरार में चले जाए, मुख्यालय के आसपास चले जाए या किसी कोने में चले जाए, हर एक जगह मच्छरों का प्रकोप इतना ही है। अब मैं वही अपने पहले के सवाल पे आता हूँ कि जब हम इतने दावे करते हैं और ये कहते हैं कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो काफ़ी बेहतर है,
तो स्वास्थ्य व्यवस्था में जो पहला पायदान है कि बचाव ही उपचार है, ऐसा कई बार कहा जाता है कि बचाव अगर आप करोगे तो आपको उपचार की जरूरत नहीं आएगी, तो हम बचाव कहाँ कर रहे हैं, इसका जवाब महानगर पालिका को देना चाहिए। आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं, आएंगे ऐसे और भी मुद्दे लेकर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें ज्वाइन कीजिए, धन्यवाद। इधर एक गूगल पे बार कोड को स्कैन कर गूगल पे के जरिए भी हमें आर्थिक तौर पर मजबूत कर सकते हैं, धन्यवाद। अपने चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।